नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश चौहान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक बेस्ट पीएनजी पिक्चर कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, स्टेबल किया है, तो हम आपको बता दें कि एक बेस्ट पीएनजी कैसे बनाते हैं। दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से बेस्ट पीएनजी बनेगा, जैसे कि आप लोग अपना थंबनेल लगाते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो वीडियो बनाते हैं उसका थंबनेल लगाते हैं, साथ में अपना फोटो पिक्चर भी लगाना चाहते हैं, लेकिन आपका साथ में बैकग्राउंड जो होता है पीछे का वो सब आया था। ऐसे मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये सारा चीज उस पिक्चर पे आपको देखने को मिल जाता है। तो हम उसी बैकग्राउंड को कट करके दिखाएंगे जो कि एक बेस्ट पीएनजी बनेगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं कैसे बनता है। जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोई भी पीएनजी पिक्चर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होती है। तो हम अपने प्ले स्टोर पर चलते हैं और यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। आप लोग को भी बैकग्राउंड इरेजर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा और आप लोग के सामने जब ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बैकग्राउंड इरेजर हैंडी क्लोज इन कॉन्टेंट्स ऐड लिखा गया है यहाँ पर, जिसका 4.6 का रेटिंग भी है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसको ओपन कर लेना है। तो आप लोग भी इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिएगा। जब ओपन करने के लिए करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, हाउ टू यूज और नीचे लोड ए फोटो। तो जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाया है उसके पीछे का बैकग्राउंड वाला मैंने फ़ोटो एक खींचा है, तो उस फोटो को मैं ले लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो खींच लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने है, इसी फ़ोटो को मैंने खींचा भी था और इसी फ़ोटो के यही वीडियो भी मैंने बनाया था। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि जो है कि कुछ दूसरा फ़ोटो लगाया, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, मैं इसी के पीछे का जो बैकग्राउंड हटाऊंगा। तो आप यहाँ पे कई तरीका से हटा सकते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग घबराइएगा तो बिल्कुल मत। तो हम यहाँ बहुत ही जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको कैसे कैसे सेट करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर एक सिस्टम और है तो जिसको कि आप लोग ऑटो कर सकते हैं। ऑटो करने का मतलब ये है, यहाँ पर क्लिक कीजिए आप, ये बैकग्राउंड गायब। तो हमें फ़ोटो का जब बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ होता है, इसमें यहाँ पर दरवाज़ा दिख रहा है और जो है कि कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रहे हैं, तो वो सब चीज़ को हमको ऐसे फ़ोटो पे हमको ऑटो नहीं करना है। ऐसे फ़ोटो को ऑटो करने के बाद ये जो है कि अच्छा नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि हमारे पीछे दरवाज़ा है, सब कुछ है, तो हम इसको एक सुंदर सा बनाएंगे जिससे कि जो है आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो हमको एक मैजिक का एप्लीकेशन इसमें दिख रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैजिक है, मैनुअल है। तो आप ऑटो से भी आप कट कर सकते हैं बैकग्राउंड, मैजिक से भी कट कर सकते हैं, मैनुअल से भी कट कर सकते हैं। और जो गलती हो जाएगी तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, इसको हटा दिया, तो हम इसको रिपेयर कैसे करना, तो रिपेयर वाले बटन दबाएंगे हम, अब इसको हम लोग रिपेयर कर लेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा रिपेयर हो गया, इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको हम रिपेयर कर लेते हैं। बहुत फटाफट अंदाज में हम आपको बता रहे हैं। तो अब हम चलते हैं मैजिक वाले पे। अब मैजिक वाले से क्या फ़ायदा है दोस्तों, कि ये जो कर्सर है, अब नीचे वाला एक पॉइंट है और एक ऊपर बड़ा सा पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट को आप थोड़ा सा और जो है कि नज़दीक करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। ऊपर जो देख रहे हैं कर्सर ऑफसेट लिखा है, आप उसका प्रयोग करेंगे, चूँकि मैं इसको लंबा कर देता हूँ। और इसको बड़ा करने के लिए दोस्तों आप इसका उपयोग करेंगे जो इस पर लिखा है एक्सपेक्ट मैजिक साइज। तो हम इसको नॉर्मल रहने देते हैं चूँकि हमको थोड़ा सा ईजी होगा बनाने में। तो अब चलते हैं अपने मैजिक पे और यहाँ से हम ना स्टार्ट करना कर देते हैं। और हम कर्सर को नीचे वाला पॉइंट पे अपना हाथ रखते हैं और ये इसको घुमाते हैं चारों तरफ और ये बैकग्राउंड को हम इरेज करते चले जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये बैकग्राउंड इरेज होते जा रहा है। तो हम इसको हल्का हल्का, जब आपका बॉडी का नज़दीक का जब आएगा हिस्सा, तो आपको हल्का हल्का जो है कि इस कर्सर को घुमाना है, चूँकि ये आराम से इसको डिटेक्ट करके जो है इसको आराम से कट कर दें। तो हम इसको धीरे धीरे इसको घुमा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, और ये मैं इसको डिटेक्ट करा रहा हूँ और धीरे धीरे ये पकड़ते हुए अपना जो है कि बैकग्राउंड को साफ़ कर रहा है। इस हिसाब से जो है कि मैं इसको बैकग्राउंड बना रहा हूँ और ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हटते जा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा सा केयर से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गड़बड़ भी हो जाएगा तो आपको रिपेयर का ऑप्शन दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, आप रिपेयर के माध्यम से जो है कि आप इसको सही कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, और ऐसे पीएनजी पिक्चर बनाते हैं हम लोग। और जितने भी यूट्यूबर हैं दोस्तों इसी का प्रयोग करते हैं, बहुत कम लोग जो है कि वीआईपी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। पिक्सल लैब और जो है कि ये बैकग्राउंड इरेजर जो है कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है। मैं इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मैं ऐसे रिपेयर कर लेता हूँ और ये मैंने रिपेयर कर दिया है, तो आप लोग को भी रिपेयर कर लेना ऐसे ही। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और ये मैजिक चालू कर देता हूँ। तो इसमें थोड़ा परेशानी होती है हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोग इसको बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कट कर रहा हूँ,
जिस हिसाब से आप अपना कट करना चाहते हैं। लेकिन ये जान जाइएगा कि अगर आपके पीछे कोई दरवाज़ा नहीं है, फ्रेश दीवार भी है या कोई पर्दा भी है, तो आप उसको अच्छा तरीक़ा से जो है कि ऑटो वाले से कट कर सकते हैं। ऑटो वाला फर्स्ट क्लास जो है कि आपको एक VIP शेप देगा, जैसे कि मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा, एक ऑटो वाला भी करके दिखाऊंगा जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, दरवाज़ा है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बना के दिखाएगा आपको। तो ये मेरा कट हो गया। अब यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि स्मूथ कितना रखना चाहते हैं, तो मैं 2 पॉइंट स्मूथ रखना चाहता हूँ। और यहाँ से मैं सेव का बटन दबा दिया है। और यहाँ से मैं यहाँ पे कुछ दे रहा है अपना एप्लीकेशन का रेटिंग देने के लिए, तो मैं लेटर कर देता हूँ। यहाँ से मैं फिनिश कर लूँगा। फिनिश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐड आता है, तो कंपनी का फ्री का एप्लीकेशन है तो वो ऐड आते रहता है, तो आपको ऐड को कट कर लेना है। और आपको अपने गैलरी में या जाके आपके जो फाइल मैनेजर है उसमें चेक करना है कि मेरा PNG पिक्चर बना है कि नहीं बना है। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये आपका PNG पिक्चर बन के रेडी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ये PNG पिक्चर आपका जो बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक है साइड में, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। और मैं आपको दिखा दूँ, अगर जिस फ़ोटो के पीछे कोई दीवार है या कुछ ऐसा फ़ोटो है उसको कैसे बनाते हैं। तो सीधे से मैं आपको एक फ़ोटो ले रहा हूँ, कोई कोई सा भी, मैं उसको करके दिखाऊंगा कि हाँ वास्तव में कैसे बनता है। तो यहाँ से मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरा ये फ़ोटो है। अब इस फ़ोटो को मैं ऑटो पे करके दिखाऊंगा आपको। ये मेरा फ़ोटो है, तो मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से और चलता हूँ अपने एप्लीकेशन में जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। यहाँ से मैं लोडिंग के ऑप्शन पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर अपने उस फ़ोटो को ले लेता हूँ जिस फ़ोटो को हमको बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और उस फोटो को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमको अपने साइज़ के अनुसार इसको फिट कर लेना है, तो मैं इसको फिट कर लेता हूँ अपने साइज़ के अनुसार, कितने में हमको बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्लास हो गया है। अब यहाँ से डन मार देता हूँ। तो हमको यहाँ पर ऑटो का ऑप्शन यूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ पर ऑटो दिया गया है, तो यहाँ पर ऑटो मैंने डाल दिया, अभी यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। आप लोग देखते हैं दोस्तों, काफ़ी फर्स्ट क्लास जो है कि ये कर रहा है। अब यहाँ पे मैं वही चीज़ कर लेता हूँ, उस आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया है। अब मेरा जो है कि बैकग्राउंड और जो क्या बोलते हैं PNG पिक्चर अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम कुछ और कर लेते हैं, यहाँ पे मैजिक भी कुछ कर लेते हैं। इसमें जो बचा हुआ है, उस थोड़ा बहुत बचा रहता है, तो हम उसको हटा देते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर कुछ थोड़ा पॉइंट बचा रहता है तो हम इसको हटा लेते हैं। तो ये धीरे धीरे हम इसको पूरा क्लियर कर दिए। तो जिस फोटो पे कुछ बैकग्राउंड रहेगा, जैसे दीवार है, कुछ ऐसा चीज़ है, वहाँ पे आप जो है कि ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ऑटो का इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ से हम इसको डन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखने में लगता है। तो यहाँ से मैं फिर इसे सेव कर लेता हूँ, यहाँ से फिनिश कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी बनाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरा ये पिक्सल लैब खुल गया है। अब इसमें हमको उस फ़ोटो को ला कर रखना है, तो हम इसको यहाँ से उस फ़ोटो में ला कर रखते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है वो हमारा जो बनाया है हमने। तो सबसे पहले मैं इसको ये ले लेता हूँ और इसको मैं सेट कर लेता हूँ जितना भी आप चाहेंगे। तो मैं सेट कर लिया इसको, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो गया है। और फिर मैं वो वाला फ़ोटो भी बनाया था तो सेकेंड नंबर पर उसको भी ले लेता हूँ। जैसे इसको भी मैंने ले लिया और यहाँ से मैं डन कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों के पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बेस्ट PNG आपका बन के तैयार हो गया है। आप लोग इसको अपने थंबनेल के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कोई थंबनेल आप बनाना चाहते हैं तो थंबनेल के ऊपर आप लोग इसको लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो नए मुझे मेरे चैनल पहली बार होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देंगे। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।